स्वागत है आपका ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में। दोस्तों आपको बता दूं, अगर आप सच्ची खबरें पाना चाहते हैं दोस्तों, आंगनबाड़ी की हो या अन्य कोई खबरें, तो दोस्तों यहां से चैनल को अपने सब्सक्राइब कर लें और अपनी नोटिफिकेशन बेल भी दोस्तों ऑन कर लें ताकि आपको हर अपडेट। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल के आज शाम के सच्ची खबरों में। यहां पर कहना चाहूंगा, इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है और यहां पर जो भी लेटर आप लोगों को मैं दिखाने जा रहा हूं वो बहुत ही जरूरी है। यहां पर कुछ लेटर आपके अवकाश से जुड़े हुए हैं और कुछ लेटर ऐसे हैं जो आंगनबाड़ी बहनों अभी आने वाले समय में एक और काम बढ़ने जा रहा है। वो काम ऐसा है कि रविवार के दिन भी छुट्टियां नहीं होंगी। फिलहाल के लिए वो स्वास्थ्य विभागों पर काम दिया जाएगा, लेकिन डर इस बात का है कि हर एक स्वास्थ्य विभाग के कामों को आंगनबाड़ी बहनों पर भी जो है आवश्यक रूप से थोप दिया जाता है। ऐसा ना हो कि रविवार की जो छुट्टी है वो आंगनबाड़ी बहनों की चली जाए और यहां पर बहनों को भी उसमें सरकार जुटा दे। तो इसका जो है सवाल का जवाब आगे हम लोगों को ढूंढना पड़ेगा। वहीं पर कहना चाहूंगा, भदोही से सबसे पहले आप लोग लेटर देखिए और वीडियो अगर दोस्तों पसंद आए तो लाइक करने के साथ साथ अपनी सच्ची खबरों को अधिक से अधिक शेयर अवश्य करना। यहां पर कहना चाहूंगा, शीतलहर को देखते हुए मैं एक बात साफ तौर पर बता दूं, कुछ ही लेटर मैं दिखाता हूं, बहुत से जिलों के लेटर नहीं भी आते हैं। तो आप लोग अपने वहां की लेटर को लेकर के ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल पर समय समय पर अपडेट देखते रहें। स्टोरी वगैरह की जो पोस्ट डाली जाती है स्टोरी में जा जा करके देखते रहें, वहां पर काफी सारे लेटर आपको मिलते रहेंगे। जो लेटर कुछ मिलते हैं उनको मैं वीडियो के माध्यम से बता भी देता हूं। तो भदोही से ये लेटर है, यहां पर बताया जा रहा है भदोही जनपद में आंगनबाड़ी केंद्र भी यहां पर जिक्र हो रहा है 31 तारीख तक वो भी बंद रहेंगे। तो आंगनबाड़ी केंद्र भी वहां पर भदोही में 31 तारीख तक बंद रहेंगे, अवकाश है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं। आगे आपसे कहना चाहूंगा, यहां पर एक अगला लेटर हमारे पास जो लगा हुआ है वो रायबरेली से है और ये लेटर दरअसल आंगनबाड़ी केंद्रों पर कार्यरत जो हमारी आंगनबाड़ी सहायिका बहने हैं विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य विभागों के कार्य में ना लगाए जाने के संबंध में रायबरेली जनपद से जारी किया हुआ एक लेटर आपको दिखा रहा हूं, जहां पर कहा जा रहा है कि आंगनबाड़ी बहनों को अन्य कामों में बिल्कुल भी ना लगाया जाए और उसी के संबंध में पूरा का पूरा लेटर दिया गया है। नीचे आप देख सकते हैं, इसमें लिखा के भेजा गया है कि आगे अतः जो है उपरोक्त के संबंध में आपको निर्देशित किया जाता है कि अपरिहार्य परिस्थितियों को छोड़ करके आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों और सहायिकाओं से विभागीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य कार्य जो है विभागों के उनको ना लिया जाए, इसके निर्देश दिए गए और इनका जो है कड़ाई से अनुपालन भी किया जाना चाहिए। लेकिन इन चीजों को कोई मानता नहीं है, ना कोई जिला में जो है जिला अधिकारी मानते हैं, ठेंगा दिखाते रहते हैं ऐसे लेटरों को। तो यहां पर जरूरत है आप लोगों को समझदारी दिखाने की और जागरूक होकर के विरोध भी करने की कि ऐसे लेटरों को लेकर के आप आगे बढ़ें और उन जिला अधिकारियों का भी विरोध खुले तौर पर करें, अन्यथा बहनों काम ये लोग आप पर करवाते रहेंगे, लेटर के लेटर निकलते रहेंगे। आगे कहना चाहूंगा, हमारे पास एक मैसेज लगा हुआ है, बनवारी लाल भाई हैं अयोध्या से, उनका कहना कि अयोध्या में भी जो है जारी हुआ है छुट्टी का आदेश, आंगनबाड़ी केंद्र अब 2 जनवरी को वहां पर खुलेंगे, डीएम महोदय ने जारी किया आदेश, उनका कहना है। तो लेकिन कार्यकर्ती बहनें वहां पर उपस्थित रहेंगी। तो अयोध्या में आंगनबाड़ी बहनें केंद्र पर रहेंगी और शिक्षक भी बहुत से हैं जो प्राथमिक विद्यालयों के, उनको भी केंद्रों पर बुलाया जा रहा है, लेकिन बच्चों की छुट्टियां चल रही हैं। तो अब एक नया सिस्टम सरकार कर रही है कि जो कर्मचारी हैं उनसे काम लेते रहो, वो केंद्र पर आते रहे, बच्चों की छुट्टियां कर दो। तो आंगनबाड़ी बच्चों की भी छुट्टियां वहां पर 2 जनवरी तक हो गई हैं, ये आपका जो अयोध्या वगैरह पड़ता है वहां से। आगे कहना चाहूंगा, बाबूलाल मौर्य जी हैं हमारे वाराणसी से, तो उनका यहां पर एक मैसेज है, पोस्ट उन्होंने डाली है कि सर्दी को देखते हुए जिले के इंटर तक सभी विद्यालय व आंगनबाड़ी केंद्र 4 जनवरी तक के लिए बंद किए जाने के आदेश जो है सराहनीय है। तो यहां पर वाराणसी जनपद में 26 तारीख का यानी कि आज के दिन का जारी किया हुआ वो लेटर आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, आप लोग इसको देख सकते हैं। यहां पर साफ तौर पर लिख दिया गया कि 4 जनवरी तक के लिए सब कुछ बंद रहेगा, स्कूल कॉलेज विद्यालय और यहां पर आंगनबाड़ी केंद्र वगैरह भी यहां पर साफ तौर पर लिख करके दे दिया गया कि आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। तो बहुत अच्छा वहां के मजिस्ट्रेट के जरिए जो लेटर निकाला गया, आंगनबाड़ी बहनों का जिक्र किया गया है। तो ऐसे में देख सकते हैं यहां पर इन चीजों के बारे में क्या लिखा है, आगे जो कुछ होगा इनके बारे में बताया जाएगा। लेकिन इस जो लेटर है, इन लेटरों को अगर आप पढ़ना चाहते हैं, अच्छे से देखना चाहते हैं, क्योंकि खबरें बहुत होती हैं, मैं चाहता हूं आप लोग ऑल इंडिया पर विजिट किया करें, यानी कि चैनल पर यूट्यूब खोलिए, उसके बाद ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल, उसमें स्टोरी पोर्शन में आप जाइए, कम्युनिटी वगैरह जो होती है उनमें आप देखते रहे, वहां पर आपको कुछ ना कुछ लेटर वगैरह मिलते रहेंगे। तो आगे कहना चाहूंगा, हमारे पास जो खबर आ रही है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों से मूल काम के बजाय कराए जा रहे हैं अन्य कार्य, तो इन चीजों का विरोध बहुत ज्यादा होता है कि आंगनबाड़ी बहनों से अन्य विभागों के काम ना लिए जाएं। अभी जो चुनाव आने वाले हैं, जनगणना आने वाली है, इन चीजों में हमारी बहनें बहुत जो है लगाई भी जाएंगी और इनका पैसा भी नहीं मिलता। आप जानते हैं पिछली बार चुनाव हुआ, बहुत जगह पैसे बहनों को नहीं मिल पाए, तो ये एक लापरवाहियां है विभागों की और ये बंदरबांट भी चलता है कि वो लोग पैसे खा जाते हैं। लखनऊ से ये खबर है, वहां पर विरोध हुआ है इन चीजों का कि आंगनबाड़ी बहनों को अन्य कामों में ना लगाया जाए, लेकिन अधिकारी मानते नहीं है। जब तक बहनों आप लोग जो है विरोध खुलकर के नहीं करेंगी कुछ नहीं होगा।
वहीं पर बिहार से हमारे पास चंपारण है, मोतिहारी, वहां से एक आदेश की कॉपी हमारे पास लगी हुई है, आप देख सकते हैं इसको, जिलाधिकारी पूर्वी चंपारण के हैं मोतिहारी से, 25 दिसंबर का उनका जारी किया हुआ ये लेटर है। यहां पर जो लिख दिया गया, आंगनबाड़ी केंद्र तथा गैर सरकारी विद्यालयों के साथ साथ सभी प्रकार के कोचिंग संस्थानों में भी शैक्षणिक कार्य दिनांक 26/12/2019 और 27/12/2019 तक स्थगित रखने का आदेश है। यानी कि आज के दिन 26 और कल भी वहां पर बंद रहेगा मोतिहारी बिहार, तो वहां पर दो दिन के लिए सब कुछ बंद रहेगा, आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे, तो ऐसा वहां पर आदेश है। लेकिन बहनों को जाना पड़ता है, बहनों को केंद्र खुलना पड़ता है, बच्चों की छुट्टियां कर देते हैं और कहते हैं कि आंगनबाड़ी केंद्र भी बंद रहेंगे। तो ये कुछ जगह की स्थितियां हैं। आगे आपसे कहना चाहूंगा, ये देख सकते हैं, और स्तनपान कराने में मिर्जापुर पहले स्थान पर आया है पूरे उत्तर प्रदेश में। तो मिर्जापुर में मोबाइल ऐप से शिशुओं के स्तनपान की निगरानी बढ़ी है, माताओं ने संवारी है जिले की छवि, तो ऐसा बताया जा रहा है, अच्छी खबर है। तो यह है, जिले में दिखने लगा है डिजिटल इंडियन का असर, यानी कि डिजिटल इंडिया का असर, आगे कहना चाहूंगा। और मंडल में पहले नंबर पर जिले की माताएं हैं, तो लखनऊ मंडल से आप देख सकते हैं, मिर्जापुर वगैरह वहां पर जो पड़ता है मंडल आपका, तो वहां से यह खबर आगे आपसे कहना चाहूंगा। आदेश वगैरह एक और मेरे पास लगा है फतेहपुर से, तो यह 25 तारीख कल के दिन का जारी किया हुआ लेटर आपके पास है, जहां पर 27 तारीख के लिए आंगनबाड़ी केंद्र भी जो है एक तरह से उनकी जो छुट्टियां रहेंगे। लेकिन बहनों आपको उपस्थित होना होगा, इस तरह की बहुत से जिलों में घटनाएं आती हैं, तो आपके वहां क्या चलता है, क्या पूरी तरीके से बंद रहते हैं, क्या होता है, इनके बारे में कमेंट में बताया जरूर करें, तो कुछ ना कुछ जानकारी निकलेगी। देखिए, जिस जगह पर जैसा जिलाधिकारी वैसे आदेश निकालता है, तो इन सब चीजों के बजाय बहुत जो है कंफ्यूजन बढ़ती रहती है और हर एक जगह पर अलग अलग तरीके का जो है शासन चलता है। तो यही कहना चाहूंगा, जो कि नहीं होना चाहिए, हर जगह समान होना चाहिए। आगे कहना चाहूंगा, सर्दियों की छुट्टियों में शिक्षकों को आना होगा स्कूल, आगे आप देख सकते हैं राज्य मुख्यालय से खबर। तो यहां पर बताया जा रहा कि जाड़े की जो है आकस्मिक छुट्टियों में सरकारी प्राइमरी स्कूलों के शिक्षकों को स्कूल जाना होगा, भले ही जिलों में सर्दियों के चलते स्कूलों में अवकाश घोषित किया गया हो और सरकारी प्राइमरी स्कूलों के कैलेंडर में जाड़े का अवकाश नहीं है। बीते दिन बेसिक शिक्षा अधिकारी के साथ हुई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में महानिदेशक स्कूली शिक्षा जो है लिखा हुआ विजय किरण आनंद ने बीएसए की जो है तरफ से आ रहे सवालों पर स्पष्ट किया कि शिक्षकों को इस दौरान स्कूल आना होगा, केवल शिक्षण कार्य स्थगित रहेगा और स्कूल जो है बच्चों के लिए बंद रहेंगे। इस दौरान शिक्षक स्कूल आकर कागजी कार्रवाइयों को पूरा करेंगे, शिक्षकों को जो है ऑपरेशन जो आपका कायाकल्प व आपका कंपोजिट ग्रांट आदि के से जो हो रहे कामों आदि का विवरण वगैरह प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करना होगा। यानी कि जो विभागीय कार्य है उनको आकर के केंद्रों पर बैठ करके उनको पूरा करना होगा, इस तरह का उनको बताया जा रहा है। आगे कहना चाहूंगा, लिखा ऑपरेशन कायाकल्प में स्कूलों में होने वाले निर्माण कार्यों का ब्यौरा प्रेरणा अपलोड पर जो है जो एप्लीकेशन है प्रेरणा उस पर अपलोड करना होगा। इसी के साथ कहना कह रहे हैं कि इसी के आधार पर अगले शैक्षिक सत्र की कार्ययोजना तैयार की जानी है, तो इस संबंध में भी उनको स्कूल आना होगा। ये जब से भाजपा सरकार आई है लोगों की जो तकलीफें बढ़ गई हैं, लोग यही जो है सवाल उठाते रहते हैं। आगे कहना चाहूंगा, जो भी होगा आपके सामने होगा। वहीं पर इस चीज को लेकर के जालौन के जो बीएसए हैं उनको भी सस्पेंड कर दिया गया है। एक ये भी इसके साथ में बहुत बड़ी खबर है कि जालौन के बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं राजेश कुमार शाही को निलंबित कर दिया गया है। श्री जो शाही पर शिक्षकों के निलंबन, उनकी बहाली और बहाली के बाद अनियमित तरीके से तैनाती के आरोप लगे थे और इन आरोपों की जांच जो है मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक झांसी मंडल से कराई गई थी। तो जांच रिपोर्ट के मुताबिक 2017 से अगस्त 2019 तक जो है आपके 73 प्रधानाध्यापकों और सहायक अध्यापकों को निलंबित किया और बाद में विभिन्न तारीखों में से जो है इनमें से 62 शिक्षकों को फिर बहाल किया। ये क्या होता है, मैं आपको कड़वे तौर पर यानी कि सच्चाई जो वो बताता हूं। इसमें होता यह है कि पहले उनको निलंबित करिए, सेवा समाप्ति करिए, उसके बाद में उनको बुलाइए, रकम ऐंठ सकते हो तो ऐंठ लो, उसके बाद में जो दे देता है वो बहाल हो जाता है, जो नहीं देता है वो फिर कंगाल हो जाता है। तो इन चीजों को समझ रहे हैं, और जो हमारे महोदय जी जो करते हैं काम वो मालामाल हो जाते हैं। तो यहीं पर कंगाल, मालामाल, बेहाल और बहाल, ये सब कुछ खेल इसी के ऊपर जो है टिका हुआ है कि पहले हटाइए, परेशान करिए, मजबूरी में पैसे देंगे तो नौकरी बचेगी। तो इन शायद इन्हीं चीजों की वो है आज जो है उनके ऊपर ये इस तरह की कार्रवाई हुई। आगे कहना चाहूंगा, उरई से खबर थी कि जो कार्यकर्ती पर मुकदमा निरस्त करने की मांग की गई है। दरअसल आपने देखा था, शिक्षक कर्मचारी समन्वय समिति के पदाधिकारियों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है, शिक्षकों व कर्मचारियों ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ती पर दर्ज मुकदमा निरस्त करने की मांग भी की है। वहीं पर कहना चाहूंगा, लेखपालों तथा कर्मचारियों की अन्य समस्याओं को गिनाते हुए उनके विरुद्ध उत्पीड़नात्मक जो है कार्रवाई को समाप्त करने की मांग वगैरह भी की गई है। आप जानते हैं हमारी बहनों को बहुत से जिलों में परेशान भी किया जाता है, काफी तरीके से उनकी सेवा समाप्ति हुई, तो शायद उरई में भी ऐसा ही देखने को आया था और उनको जो है कार्यकर्ती पर अब जो मुकदमा वो वापस करने की मांग जो है यूनियन उठा रहा है। आगे हमारे पास लेटर लगा हुआ 24 दिसंबर का, जो कि है प्रदेश के समस्त प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों एवं नगरीय प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में प्रत्येक रविवार को आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा। यानी कि आप लोग सोच करके बैठिए,
अभी तो ये चिकित्सा वालों के लिए सिर्फ है, यहाँ पर जो है एक साफ तौर पर कह दूं कि बाल विकास के लिए ऐसा अभी नहीं भेजा गया है। लेकिन आप जानते हैं जो बाल विकास विभाग है उसका जो काम है उससे हटकर के उन पर काम कराए जाते हैं, तो आने वाले समय में ये काम भी कहीं ना कराया जाए, इसके लिए आप लोग तैयार रहना कि रविवार के दिन ये आपका आरोग्य स्वास्थ्य मेला का आयोजन किया जाएगा हर रविवार को। तो याद रखना, हर रविवार के दिन हमारी बहनें आप लोगों का जो रविवार है वो भी सरकार छीन रही है, तो ये भाजपा सरकार में इससे अच्छे दिन की उम्मीद हम लोग क्या कर सकते हैं, जरा सोच करके खुद देखिए कि रविवार के दिन में अगर काम कराए, मान लीजिए हम नहीं करेंगे लेकिन आशा बहनें स्वास्थ्य विभाग से जुड़ी हुई हैं उनसे काम लिया जाएगा, उनको क्या सरकार दे रही है ये जरा सोच करके देखिए कि उनको रविवार के दिन भी छुट्टियां नहीं है और जो आराम से एसी में बैठते हैं अधिकारी वो बड़े बड़े जो तनख्वाह उठाते हैं, तो ये सब चाहे जो भी हो रहा है गलत हो रहा है, मैं ये नहीं कहता उनके बराबर मिले लेकिन इतना तो मिले जो उनके हक में है। आगे कहना चाहूंगा यहां पर ये लेटर आपके सामने हो गया और इसके संबंध में भी ये लेटर पोस्ट में डाल सकता हूं। आगे आदेश जो लिखा हुआ उसके संबंध में बता दूं, ये हमारे पास लेटर दरअसल बहुत ही जरूरी है, मथुरा से जो भी बहने आगरा मथुरा सटीक से तो वो लोग ध्यान से देख सकती हैं कि वहां पर कल 26 तारीख जो है 6 बजे से लेकर के 27/12 यानी कि कल 27 तारीख आज 26 तारीख 6 बजे से 27 तारीख जो है आपकी 6 बजे तक सब कुछ वहां पर इंटरनेट सुविधाएं जो है बंद रहेंगी, इंटरनेट बंद कर दिया गया है। तो ऐसे में ये तकलीफें उठा रही जनता, जो न फोन चलते हैं न मोबाइल चलते हैं, यहां पर बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो आगे बस यही कहना चाहूंगा, आज के इस वीडियो में आप लोगों को क्या जानकारी मिली, आपके काम की या नहीं है ये भी कमेंट करके बताना, क्योंकि बहुत सी मैंने जानकारी दी है, जगह जगह से लेटर थे और जगह जगह से बहनों की समझ लीजिए आवाज भी थी कि वो बताना चाहती हैं कि उनके वहां पर क्या तकलीफें हैं जिनको मैं दिखाता हूं। एक तो आंगनबाड़ी बहनों को उनके वहां पर केंद्र खुलते हैं सर्दियों में, सबसे बड़ी तकलीफ तो यही है, पैसा कम है काम ज्यादा है। दूसरी बात, एक और काम बढ़ने वाला है स्वास्थ्य विभाग का, शायद वो आंगनबाड़ी बहनों को भी उसमें जुटा दिया जाए, क्योंकि सरकार ऐसी है जो गैर विभागों के कामों को जो है खूब ज्यादा दे रही है, आगे केंद्र सरकार की तरफ से जो लेटर आते हैं उनको मानती ही नहीं है, तो इन चीजों को लेकर के काफी परेशानियां हैं और समस्याएं भी बनी हुई। तो दोस्तों मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, सुधांशु पटेल चैनल पर मेरा अब अगला वीडियो आएगा, तो अगला वीडियो अगर आपको देखना है तो सुधांशु पटेल चैनल पर आ जाइए।